सल्फर पाउडर की थोड़ी सी मात्रा लें। लाइटर की सहायता से इसे तब तक गर्म करते रहें जब तक यह जलना शुरू ना कर दे। जैसे ही यह जलने लगे, इसे तुरंत एक गिलास से ढक दें ताकि गैस बाहर ना जा सके। कुछ समय पश्चात गिलास को सीधा कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से ढक दीजिए। गिलास को भली भांति हिलाइए। बने हुए विलयन का लिटमस पत्रों पर परीक्षण करिए। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में यानी जलने से बनने वाले उत्पाद का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब जल में विलय होती है तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये हमारे पास सोडियम धातु है जो बहुत ही अभिक्रियाशील होती है। अब इसे हम चाकू की सहायता से काटेंगे। ये देखिए कितने आसानी से ये कट गई है। ये हमारी सोडियम धातु है। अब हम दूसरे उसमें जल डालेंगे। ये हमने इसमें जल डाल दिया है। अब हम सोडियम धातु को उठाकर इसके अंदर डाल देंगे। देखिए पानी में भी आग लग गई। सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके बहुत अधिक ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, पर वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। जैसे फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है जो वायु में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन से इसका संपर्क न हो।